हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रितु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो परमानेंट पोस्ट पे वैकेंसी निकली है कॉलेज में, ये आपके निकली है राजधानी कॉलेज राजा गार्डन न्यू दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, राजधानी कॉलेज से आपकी जो है वैकेंसीज़ निकली हैं। तो पूरी एडवर्टीजमेंट एक बार चेक कर लेते हैं आपका क्या निकला है। सबसे पहले निकली है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसकी क्वालिफिकेशन जो है आपकी रहनी चाहिए मास्टर डिग्री, एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, और डिज़ायरेबल में होगा आपका, डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, LLB, MBA, CA, ICWA और MCA, तो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जा सकती है। अपर एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर्स रहने वाली है। पे लेवल जो है लेवल 10 का रहेगा आपका। फिर है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, पे लेवल 7 का है, 35 ईयर्स एज लिमिट रहेगी। इसमें क्या है, आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। स्किल टेस्ट नॉर्म्स होंगे आपके, डिक्टेशन होगी 10 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा 40 मिनट्स का इंग्लिश में और 55 मिनट्स का हिंदी में। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चेक की जाएगी थ्रू टाइपिंग स्किल्स, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपकी निकलती है सीनियर असिस्टेंट की, 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है आपकी असिस्टेंट की, जिसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से एंड गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑल्सो। जूनियर असिस्टेंट की निकली है सीनियर सेकेंडरी, अगर प्लस टू किया है आपने तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपको टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। फिर आपका है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर, उसमें BE, BTEC, MCA, MSc हो आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट 6 का मिलता है, 30 ईयर्स एज लिमिट रहने वाले हैं इन सब में। केमिस्ट्री में लेबोरेटरी असिस्टेंट की ज़रूरत है, जो आप 10+2 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लैब अटेंडेंट चाहिए और साथ में केमिस्ट्री में भी चाहिए। तो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पे लेवल 4 रहेगा, जिसमें आप प्लस 2 होने चाहिए और साथ में 10th पास हो, और लेबोरेटरी अटेंडेंट चाहिए केमिस्ट्री के लिए, जिसमें एज लिमिट 30 ईयर्स होगी और पे लेवल मिलेगा 1 का। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट कंप्यूटर, जिसमें आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए। फिर लाइब्रेरी अटेंडेंट है, जिसमें आप 10th पास होंगे, साथ में सर्टिफिकेट होगा इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, पे लेवल 1 का रहेगा आपका। तो ये थी सारी वैकेंसीज जो आपकी निकली हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 4th ऑफ अक्टूबर तक रहने वाली है। तो अभी बहुत ही कम डेट्स बाकी हैं, 2nd आज हो गई है, तो 2-3 दिन के लिए ही अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो जिस को भी वीडियो मिलती है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट सारे आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास वीडियो पहुंच जाए, अगर नहीं पता है तो। तो अप्लाई करने के लिए आपका क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 500 रहेगा, SC ST के लिए 200 रहने वाला है। पूरी डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है, ऑल दो इस PDF में जो हमने वीडियो डिस्कस की है उसमें 30-35 ईयर्स है, तो आप चेक कर सकते हैं आपकी पोस्ट के लिए। और ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं www.rajdhanicollege.ac.in। ये PDF जो है ये मैं आपको अपने उसमें डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से जाके ले सकते हैं इसको, तो कुछ डिटेल्स चेक करनी है तो वहाँ से कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।